आज राजधानी के शंकर नगर स्थित राजीव भवन में मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा 22-23 हफ्तों में 25वीं बार राजीव भवन के आगमन पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा मंत्री मोहम्मद अकबर का स्वागत बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। स्वागत में मुख्य रूप से मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री अमरजीत भगत, महेंद्र छाबड़ा, संचार विभाग के शैलेश नितिन त्रिवेदी, शहर कांग्रेसी कमेटी के गिरीश दुबे, पार्षद आकाश त्रिपाठी जैसे बड़े नेता मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज 25वीं बार आगमन हुआ है कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माननीय मंत्री एक अच्छी परंपरा है और कितने आवेदन अब तक प्राप्त हुए, कितनी बार बैठे हुए, कौन कौन सी तारीख में किसने क्या आवेदन दिया, उसका विषय क्या था, उसकी कंप्लीट एक पूरी सूची बनाकर यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज सौंपी गई है। उनको जिन्होंने आवेदन इसके पहले किया है वो आज ये कांग्रेस भवन को पता कर सकते हैं कि उनके आवेदन को कहाँ भेजा गया, कौन से नंबर से भेजा गया, क्या कारण है। एक महीना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने हो गया और कुल 36 राज्य कांग्रेस पार्टी के नाम से चुनाव को पहले किए गए थे। 36 में से 22 राज्यों को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। बाकी राज्यों के बारे में गंभीरतापूर्वक उसने विचार कर रहा था कि इस प्रकार को हो सकेगा। अब हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते बाकी के राज्यों में भी कार्रवाई हो। इन सब बातों को लेकर जो प्रमुख रूप से धान खरीदी के बारे में, बिजली के विभाग के बारे में, कर्जा माफी के बारे में, सबको राशन कार्ड देने के मामले में जो कुछ हुआ वो आप सबकी जानकारी में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाया गया कि सरकार धान खरीदी नहीं करेगी, 3600 रुपये के हिसाब से काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि यदि धान खरीदी में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी, समय बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया। 5 दिन का समय इसमें बढ़ा दिया गया है। 2500 के हिसाब से भारत सरकार के बिल के कारण खरीदी 1815 में होगी, लेकिन अलग मत अलग योजना से किसानों को मिलेगा 2500। मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने चुनाव के पूर्व जो वादे किए थे उसमें से लगभग सभी वादे पूरे कर लिए हैं, साथ ही कुछ अभी बचे हुए हैं उनको भी जल्द पूरा कर लेंगे। धान खरीदी के लक्ष्य को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 5 दिन धान खरीदी के लिए सरकार ने बढ़ाए हैं। पिछले वर्ष भी हमने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी कर ली थी। TCB 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।